सब्सक्राइब कीजिए वेट पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सॉफ्टवेयर एंड शॉपिंग सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 4 है, तो रिसेंटली मैंने इसमें इसका टेम्पर हालांकि मिलता नहीं है, जो भी मेरे को मिला मैंने इसमें से लगा लिया। बट आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन 2.5 कर्व है, जितने भी फ़ोनों की होती है सब में एक दिक्कत जरूर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन के साइड्स में बबल्स आ जाते हैं। लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसका स्क्रीन तो मिल नहीं रहा है, तो मतलब इनको मतलब छोटा स्क्रीन लगवाना पड़ जाता है इस चक्कर में। तो इस बबल को हटाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल स्पेशली और ईयरबड्स। तो देख लीजिए, आपको इस ऑयल की ज़रूरत इसलिए होगी क्योंकि हम इस ऑयल को इस ईयरबड्स की हेल्प से हम इसके अंदर फिल करेंगे ताकि ये बबल्स रिमूव हो जाए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं ये चीज़ भी, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में आते हैं कि अब क्या करें क्या नहीं। तो चलिए पहले मैं इसको इसमें डिप कर देता हूँ। ये मेरा ऑयल आप देख सकते हैं, मतलब ये कोकोनट एकदम मतलब जमा हुआ है कोल्ड से, तो मैंने इसको अभी जस्ट ही पिघलाया, बट ये पूरा नहीं पिघल पाया। फिर भी जो भी इतना ही पिघला है, हम पहले अपने कोकोनट इसमें ले लेते हैं, ऑयल को बड में ले लेते हैं, उसके बाद स्लोली स्लोली आपको करना कुछ नहीं है, बस इस फोन के जो है यहाँ पे कोने में बस आपको ये कोकोनट ऑयल चला देना है। अब बस लगाते रहिए और देखिए बस इसका मैजिक। अब देख सकते हैं मेरा बबल धीरे धीरे करके पूरा रिमूव हो रहा है, देख रहे फ्रेंड्स, नीचे है ऊपर नहीं है। तो ऐसे ही आप करते रहिए, ओवरऑल पूरे स्क्रीन में जहाँ जहाँ आपके बबल्स हैं डिप करिए लीजिए। इससे आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई वाटर सॉल्यूशन नहीं है, ताकि मतलब इससे मतलब आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, ना आपके फ़ोन में कुछ घुसेगा ना ऑयल घुसेगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं है फ़ोनों को, ये तो एक्चुअली आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ भी बड़े स्लोली करिए दोस्तों, क्योंकि इसको ऑयल को अंदर फिलअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके आपके पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा, जहाँ जहाँ आपके बबल्स निकल रहे होंगे उसकी जगह पे ऑयल चला जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा कोल्ड ऑयल भी आ रहा है, बट आप फ्रेंड्स इंश्योर रहिए कि मतलब कोल्ड ऑयल का यूज़ ना करिए, मतलब जैसे ये ऑयल थोड़ा जम चुका है, आप पूरी तरह पिघला के करिए, या फिर जो आता है ऑलरेडी पिघला हुआ उस टाइम, मतलब इस टाइम मतलब थोड़ी ठंड थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा कोल्ड हो गया है, ठंडा हो गया है और जम गया, सॉलिड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवरऑल स्क्रीन पे तो लगा दिया, मेरे ऊपर बबल्स नहीं है इधर, बस साइड साइड में बबल्स थे और हल्के फुल्के नीचे हैं, ये मैंने डन कर दिया, इसको साइड करिए। और अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, फ्रेंड्स अब देखिए ध्यान से देखिए, बबल पहले थे और अब नहीं है, जो भी बबल्स थे सब जितने बबल एरिया थे सब में ये ऑयल फिल हो चुका है, और ये ऑयल यहाँ से हटेगा नहीं, ये आपके स्क्रीन को प्रोटेक्ट तो नहीं बट जो भी है मतलब छुपा के रखेगा आपके इसको। तो ये वन एंड ओनली तरीका है दोस्तों, आपका एक ट्रिक है जिससे आप इस टेंशन को दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बिटकॉइन सॉल्यूशन को देखने के लिए धन्यवाद।